हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं टेक बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है लेनोवो की तरफ से उनके एक और न्यू ईयरबड्स लेनोवो SP06 200, इसका मॉडल नंबर है। तो भाई आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और सिर्फ दो चैनल के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग हुई है। पाकिस्तान में आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग मिल रही है। तो आज इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका डिजाइन देखेंगे। यूनिक, बहुत ही खूबसूरत इसका डिजाइन बनाया गया है और भाई इसके अंदर एक मिसिंग फीचर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उन चैनल के ऊपर इसका मिसिंग फीचर नहीं बताया गया है। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। इसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और बाकी ये सब चीजें देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि ये ईयरबड्स आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो भाई यहां पर आपको कुछ इस तरह का ये बॉक्स मिल जाता है और चाइनीज में लिखा गया है। इसका मॉडल नंबर है SP06। बैक साइड पे इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिखा गया है, तो जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक मैनुअल गाइड मिल जाती है, फिर आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं, माइक्रो USB की केबल आपको इसके अंदर मिलती है, 2 पेयर ईयर कप्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने कानों के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से इनको लगा सकते हैं। अब आ गए हम अपने मेन चीज की तरफ। तो भाई ये कुछ इस तरह का आपको ये डिजाइन मिल जाता है, तो ये आप ये देख सकते हैं। कुछ मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊं तो इस तरह का ये डिजाइन है, तो यहां से आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाता है। एक आपको स्ट्रैप मिल जाता है और इसके ऊपर भी आप ये देखेंगे तो लेनोवो की ब्रांडिंग हुई हुई है। बैक साइड पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो USB की है, और यहां से मैं आपको दिखाता चलूं तो इसको यहां से आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे और काफी यूनिक सा इसका डिजाइन है। बॉक्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी सी है और ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं। मुझे काफी ज्यादा इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहां पर आपको दिखा दूं तो लेफ्ट एंड राइट देखा गया है और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ये चार्जिंग लाइट है। जब आपके ईयरबड्स चार्ज होंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और बैक साइड पे आपको एक इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, जब आप इसको चार्ज करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो ईयरबड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। ईयरबड्स में आपको दिखाता चलूं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाता है और चार्जिंग पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर आपको यूनिक सा डिजाइन मिल जाता है और एक यहां पर आपको ग्रिल मिल जाती है और इसका मुझे नहीं पता ये किस लिए ये डिजाइन इस तरह का है। और भाई इसके अंदर आपको डुअल माइक मिल जाते हैं, एक तो आपको ये बैक पे नीचे आप ये देखेंगे तो यहां पर आपको माइक मिल जाता है और दूसरा आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको यहां पर मिल जाता है, तो आपको ये नजर आ रहा होगा। तो आपको इसके अंदर 4 माइक मिलते हैं जो कि आपको नॉइस कैंसिलेशन आपकी कॉलिंग क्वालिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। डिजाइन काफी यूनिक सा है तो आप यहां पर ये देख सकते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। लाइट वेट है तो चलें इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अब इसके टच कंट्रोल के बारे में मैं आपको बता देता हूं और भाई इसका जो मेन फीचर जो मिसिंग है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। आप देख सकते हैं म्यूजिक हमारा प्ले, ईयरबड्स हमारे फोन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एक दफा टेप करेंगे म्यूजिक आपका रुक जाएगा, दोबारा टेप करने के बाद म्यूजिक दोबारा प्ले हो जाएगा। 2 दफा टेप करेंगे आप नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चले जाएंगे और दोस्तों 3 दफा टेप करने के ऊपर आप वापस प्रीवियस सॉन्ग की तरफ आ जाएंगे। और भाई इसके अंदर जो मेन फीचर मिसिंग है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, शायद आप लोगों को सुनकर आपको भी अच्छा ना लगे। दोस्तों इसके अंदर आप वॉइस असिस्टेंट को ऑन नहीं कर सकते, वो फीचर इसके अंदर नहीं है और भाई इसके जरिए आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सिर्फ टच कंट्रोल यही है, आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, वापस आप प्रीवियस सॉन्ग की तरफ आ सकते हैं, कॉल को 1 दफा टैप करने के ऊपर आप रिसीव कर सकते हैं, 2 दफा टैप करने के ऊपर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट का फीचर आप लोगों को नहीं मिलता है। तो भाई यहां पर आप ये देख सकते हैं कानों में मैंने इनको पहन लिया है और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मेरे कानों में फिट हो गए, फिटिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं आपको इनको शेक करके भी दिखा देता हूं। तो ये आप ये देख सकते हैं कानों में अच्छी तरीके से फिट हो गए, तो बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं है। और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयर ट्यूब्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने कानों के साइज के हिसाब से इनको लगा सकते हैं।
दोस्तों साउंड क्वालिटी का मैं आपको बता दूं, साउंड की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। साउंड इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है और बेस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगाएगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पंची बेस नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मल है बेस आपको इसके अंदर अच्छी मिलेगी। साउंड की क्वालिटी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर म्यूजिक सुना, म्यूजिक सुनने में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, साउंड की क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगाई गई है। दोस्तों कॉल क्वालिटी का मैं आपको बता दूं, कॉल क्वालिटी आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतर बनने वाली है, क्योंकि इसके अंदर सीवीसी 8.0 की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। 4 माइक आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि आपकी नॉइस को जो है वो कैंसिल करता है। तो आपके जो बैकग्राउंड का जो शोर वगैरह है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड में जो शोर होता है वो बहुत ही कम जो है, काफी हद तक मैं कहता हूं कि बहुत हद तक जो है वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए कम हो जाता है। जो आप किसी को अगर कॉल कर रहे हैं तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर बनने वाली है। भाई बैटरी लाइफ का मैं आपको बता चलूं, बैटरी ने इसकी जो है बहुत ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया है, क्योंकि मैं इसको 2 दिन से यूज कर रहा हूं, तो बैटरी मैंने इसकी जो है वो तकरीबन, इसके ऑन पेपर बात नहीं करूंगा क्योंकि 4 से 5 घंटा इसके ऊपर लिखा गया है, लेकिन भाई बैटरी लाइफ इसकी मैं आपको बता चलूं, 5 घंटे तक इसके ऊपर नॉन स्टॉप मैंने म्यूजिक सुना तो इसकी बैटरी लाइफ तब भी खत्म नहीं हुई थी। तो ये मैं आपको बता दूं, 2 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं, म्यूजिक वगैरह सुन रहा हूं, तो रेगुलर मैंने इसके ऊपर 5 घंटे तक म्यूजिक चलाया, तो भाई 5 घंटे इसने मुझे बैकअप दिया और फिर भी इसकी जो बैटरी लाइफ खत्म नहीं हुई थी। तो इसके जो पावर केस के अंदर आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है और इसके ईयरबड्स के अंदर जो है वो आपको 35 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि एक बहुत ही, मैं समझता हूं यार, बहुत बड़ी बात है। अगर 35 mAh की जो बैटरी आपके ईयरबड्स के अंदर मिल रही है और आपको 5 घंटे से भी ज्यादा का जो है बैकअप दे रही है, तो भाई बैटरी लाइफ ने बहुत ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया है। तो भाई आप लोगों को SP01 कैसा लगा तो आप लोग मुझे जरूर बताएगा। इसकी हर एक चीज मैंने आपको बता दी इसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साउंड क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, इसकी ईयरबड्स का डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक है, 8 GB लाइट मिल जाती है आपको जब आप अपनी ईयरबड्स को चार्ज करेंगे, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। सीवीसी की टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो कि कॉल क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर बनाती है, साउंड क्वालिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी है, बेस भी इसके अंदर अच्छी बेस है इसके अंदर। तो आपको हर एक चीज मैंने आपको बताई दी, इसके अंदर क्या चीज आप लोगों को नहीं मिलती वो भी बताया। तो वॉइस असिस्टेंट आपको इसके अंदर नहीं मिलता, वॉल्यूम कंट्रोल आप इसके साथ नहीं कर सकते, जो कि आपको LP1 और LP1S के अंदर दोनों चीजें मिल रही थी। तो भाई ये तो सब सारी चीजें थी इसकी, तो आप लोगों को फैसला करना है कि ये मॉडल आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर एक चीज मैंने आपको बता दी क्लियर इसके अंदर क्या मिल रहा है और क्या नहीं। तो भाई इसकी प्राइस भी मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी मार्केट में हमारे पास 4,000 रुपए इसकी प्राइस है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं, और मैं आपको Draz.pk का लिंक दूंगा, और भाई जो लोग इंडिया से देखते हैं उनको भी मैं लिंक दूंगा, Amazon का और Flipkart का, दोनों का मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक दे दूंगा। जो लोग पाकिस्तान से लेना चाहते हैं वो यहां से आप ले सकते हैं, और जो इंडिया से लेना चाहते हैं तो वहां से आप ले सकते हैं, और जो लोग हमारे से भी लेना चाहते हैं तो 4,000 रुपए इसकी प्राइस है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर, दो कलर के अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा, तो भाई दो कलर में अवेलेबल है। तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा और आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग हमसे लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर ऑर्डर करना बहुत ही इजी होता है, आप लोगों को डिटेल भी अगर मालूम करनी है तो वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन आप कहीं भी इसको मंगवा सकते हैं, 4,000 रुपए हमारे पास इसकी प्राइस है। तो भाई यही सब चीजें थी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। तो बस अब इसी के साथ आप लोगों से मैं जा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।